हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि ओमैड्स टीचर। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन इज शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी थ्योरम जैसा ही है कि आपको ये बताना है कि इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ एंगल ABC ले लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक ट्राइंगल ABC ले लिया और हमें प्रूव करके बताना है, यहाँ पे शो करके बताना है कि ये एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों ही कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। तो जब भी आपको एंगल फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एक तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, और दूसरा आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। यानी एक ट्राइंगल है, अगर ये 3 मीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो नाउ गिवन लिख लेते हैं। तो एंगल ट्राइंगल ABC हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है, दैट मीन्स कि तीनों साइड इसकी इक्वल है क्योंकि हमें पता है कि ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमें यहाँ प्रूव करके क्या बताना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू हमें 60 डिग्री प्रूव करके बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और फिर हम उससे इसको 60 डिग्री तीनों एंगल को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ट्राइंगल ABC है, लेट कि हमने ये वाली साइड को छोड़ दिया, ये दोनों साइड हमने इक्वल ले ली। तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या करके बता रहे हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों ही आपस में इक्वल है, ये हम यहाँ पे पता कर कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इस एक ही ट्राइंगल को आप दो तरीके से देखोगे, यानी एक बार ये दो साइड देख लो, एक बार ये दो साइड देख लो, और प्रूव कर लेंगे कि तीनों से एंगल इसके क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि तीनों ही साइड इक्वल है तो मैं पहले AB इक्वल टू क्या ले लेती हूँ, BC ले लेती हूँ। ठीक है, सेंस AB इक्वल टू BC ले लिया। तो आप यहाँ देखो AB के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये AB साइड के अपोजिट है आपका एंगल C और BC साइड के अपोजिट आपका कौन सा एंगल है, एंगल A। यानी कि यहाँ पे एंगल C इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल A। तो रीज़न आप क्या लिखोगे, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमें रीज़न पता है, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड, अब आपने यहाँ पे AB इक्वल टू BC लिया था ना, आप चाहे BC इक्वल टू AC ले लो या फिर AC इक्वल टू AB ले लो, कोई भी ले लो। अगेन एन ट्राइंगल ABC सिंस BC इक्वल टू AC, तो हमने BC इक्वल टू AC ले लिया। तो आप देखो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A, और AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। तो यहाँ पे आप क्या रीज़न लिखोगे, सेम रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया। ये आप पूरा रीज़न लिख के बताना, मैंने डैश डैश कर दिया। अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिखोगे कि एंगल A एंगल C के इक्वल है, यानी एंगल C एंगल A के इक्वल है और एंगल A एंगल B के इक्वल है, मतलब कि तीनों ही एंगल आपस में इक्वल है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव कि तीनों ही एंगल इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए थी, तीनों एंगल इक्वल है तभी एंगल सम प्रॉपर्टी में हम एंगल A की जगह पे और एंगल C की जगह पे तीनों B करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी एक की फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC वी हैव, अब हम इसमें क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। आपने 6 चैप्टर में पढ़ा है ना एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, क्या चाहे तो एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है तो B और C की वैल्यू पुट कर दो, B की फाइंड करनी तो AC की पुट कर लो, और C की फाइंड करनी तो AB की कर लो। मैं यहाँ पे एंगल A की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो एंगल A मेरा एज इट इज़ हो गया, एंगल B मेरा एंगल A के इक्वल है तो मैंने B की जगह A रख दिया, C भी मेरा A के इक्वल है तो इसकी भी जगह मैंने A रख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रीज़न आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तीनों आपस में इक्वल है। इसीलिए हमने ऊपर इतना सारा किया है ताकि हमें एक एंगल की वैल्यू मिल जाए, एक की मिलते ही तीनों इक्वल है तो हमारा यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, कितनी बार एंगल ए है? 3 टाइम है तो 3 बार हो गए। जैसे 1 + 1 + 1 3 होता है ना, वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ 180 डिग्री। हमें एंगल ए की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 यहाँ मल्टीपल में है एंगल ए के तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में होता तो माइनस में आ जाता। तो 3 के डिवाइड में 18 आया 6 टाइम तो 60 डिग्री। तो दिस एम्प्लाइज एंगल ए आपका कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 है बट एंगल ए तो मेरा एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है तो आप क्या लिखोगे, सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो ये देयरफॉर, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूव करना के बताना था कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे शो करके बता दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम मेरा 60 डिग्री है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को यहाँ पे तीनों एंगल 60 डिग्री प्रूव करने के लिए पहले आपने ये प्रूव करके बताया कि यहाँ पे तीनों ही एंगल इक्वल है और तीनों ही एंगल हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल करके बताया। उसके बाद में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को लगा के एंगल फाइंड किया। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।